जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे हर जो पेशेंट हमारे पास आता है आईवीएफ कराने, वो ये उसकी ये डिमांड होती है कि मैडम जुड़वा बच्चे कर दो। कुछ ये भी होते हैं जो बहुत एंग्शियस होते हैं, मींस बहुत घबराए होते हैं और बोलते हैं मुझे आईवीएफ नहीं कराना है क्योंकि आईवीएफ करेंगे तो जुड़वा बच्चे हो जाएंगे और जुड़वा बच्चे तो पालने में बहुत दिक्कत होती है। पर सबसे पहले ये है कि जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ से ही जुड़वा बच्चे होते हैं, और भी तकनीक है जिससे जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। जो आप ये अंडे बनने की दवा खाते हैं, एक नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, हर साइकिल में उसके एक अंडे नेचुरली बनता है, मींस ओनली वन एग इज़ फॉर्म नेचुरली। तो एक अंडा अगर एक शुक्राणु से मिलता है तो एक ही बच्चा बनता है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनमें जेनेटिक टेंडेंसी होती है, बोलने का मतलब उनके घर से ही आनुवांशिक तरह से चला आ रहा है, उनके साइकिल में कभी कभी दो एग भी बनते हैं, तो उनको जेनेटिकली खुद से ही जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन आज की दुनिया में अक्सर जुड़वा बच्चे उनको होते हैं जिन्होंने या तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के ड्रग्स खाए, मींस उनकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी, वो नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, गायनेकोलॉजिस्ट ने कुछ दवाइयाँ लिख दी अंडे बनने के, अंडे बन नहीं रहे थे, अंडे बनने की दवाइयाँ लिखी, उससे एक अंडे नहीं बने, दो तीन अंडे एक साथ बन गए, तो या तो तीन बच्चे हो गए या फिर जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। तो आप और आईवीएफ में क्यों होते हैं जुड़वा बच्चे, बिकॉज आईवीएफ में हम एक्स्ट्रा भ्रूण बनाते हैं, एक्स्ट्रा भ्रूण बना करके हम दो से तीन भ्रूण आपके अंदर डालते हैं, ये सोच करके कि सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। अगर हम सिंगल भ्रूण डालते हैं तो सक्सेस रेट कम होता है, अगर हम ज़्यादा भ्रूण डालते हैं तो सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा भ्रूण डालें और सारे भ्रूण चिपक गए तो ऑब्वियसली आपके पास जुड़वा मतलब मल्टीफीटल जेस्टेशन हो सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जुड़वा हो, तीन चार पाँच इस तरह से बच्चे हो सकते हैं। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने रूल बना रखी है, जो हमारी गाइडलाइंस होती है वो बोलते हैं तीन एम्ब्रियो से ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हो, इसलिए तीन से ज़्यादा आजकल यूजुअली नहीं होते हैं। पर पहले के समय जब आईवीएफ स्टार्ट हुए थे तो आप अगर पेपर्स उठा के पढ़ोगे तो उसमें आठ बच्चे भी एक साथ पैदा हुए हैं जो चिपक गए और पैदा हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी आईवीएफ में जो अब नहीं रही है। और अगर जुड़वा पकड़ भी लेते हैं आईवीएफ में तो उसमें तकनीक है जिसमें कि बच्चे को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो फीमेल्स ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स मीन्स अंडे बनने की दवा खाती हैं, या तो वो नेचुरली खाएं नेचुरली हस्बैंड के साथ रहने के लिए, या आईयूआई साइकिल में खाएं उसमें भी हो सकती है, या फिर आईवीएफ साइकिल में क्योंकि उसमें भी हम इंजेक्शन लगा के स्टिमुलेट करते हैं और एक्स्ट्रा भ्रूण बनाते हैं, तो उनको जुड़वा बच्चे होने के चांसेस होते हैं, प्लस जिनको आनुवंशिक तरीके से होते हैं वो तो होते ही हैं।